विरोधियों के दावों के विपरीत सिरोही सीट पर भाजपा के बागी हेमंत पुरोहित डटे हुए हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथि तक उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया। नामांकन रैली में लोगों की भीड़ नहीं उमड़ने के दावों की तरह ही उनके प्रतिद्वंदी ये भी दावा कर रहे थे कि वो 9 दिसंबर तक चुनाव मैदान में टिके हुए नहीं रह सकेंगे, लेकिन हेमंत पुरोहित ने नामांकन रैली में लोगों के एकत्रीकरण के बाद चुनाव मैदान में टिके रहकर न सिर्फ प्रतिद्वंदियों के मुंह बंद किए बल्कि अब सिरोही विधानसभा में भी भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। अब सिरोही सीट पर भाजपा का सांचौर फैक्टर और चेतारण फैक्टर का असर भी पड़ता नजर आ रहा है। नाम वापसी के अंतिम तिथि के बाद अब सिरोही विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी संयम लोढ़ा और ओटाराम देवासी के साथ भाजपा के बागी हेमंत पुरोहित, भंवरलाल, मीठाराम, नटवरलाल, भैराराम मेघवाल, मोतीलाल और कालूराम शेष बचे हैं। इन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद हेमंत पुरोहित ने चुनाव चिन्ह का विमोचन भी किया। इसमें भी लोगों की संख्या एकत्रित कर इस चुनाव के प्रति उन्होंने अपनी गंभीरता से लोगों को अवगत करा दिया है। सिरोही विधानसभा में अब चुनाव फंसता नजर आ रहा है। जो लोग हेमंत पुरोहित के साथ नामांकन रैली और चुनाव चिन्ह आवंटन के दौरान जुटे रहे, अगर ये ईवीएम तक पहुंचे तो भाजपा के लिए निसंदेह बड़ी मुसीबत होगी। इधर कांग्रेस के लिए भी मोतीराम को मुसीबत का सबब बताया जा रहा है। कार्तिक भील प्रकरण में मोतीराम काफी सक्रिय थे। ये आजाद समाज पार्टी से खड़े हुए हैं। ऐसे में आजाद समाज पार्टी से जुड़े भीम आर्मी के फॉलोअर्स के वोटों में इनकी सेंधमारी की आशंका जताई जा रही है। वैसे भैराराम मेघवाल भी कांग्रेस के मूल वोट वाले मेघवाल समाज से आते हैं। ये पिछले चुनाव में भी निर्दलीय खड़े हुए थे लेकिन कुछ खास वोट नहीं खींच पाए। भाजपा के लिए सिरोही में बहुआयामी संघर्ष है। यहाँ पर सांचौर का फैक्टर भी चल रहा है। सांचौर के बागी जीवाराम चौधरी की तरह ही सिरोही के भाजपा के बागी ने भी यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय के उस कोट को अपना मूल वाक्य बना लिया है जो उनकी राजनीतिक लेखों के संकलन पॉलिटिकल डायरी में प्रकाशित हुआ था। यही नहीं, यहाँ पर जेतारण फैक्टर का डर भी भाजपा को सता रहा है। वहां पर भाजपा के कैंडिडेट अविनाश गहलोत के सामने बागी के रूप में योगी लक्ष्मण नाथ खड़े हुए हैं। लक्ष्मण नाथ देवासी समाज के बताए जाते हैं तो अविनाश गहलोत माली समाज से। ऐसे में इसका प्रभाव भी सिरोही विधानसभा में पड़ने के आसार जताए जा रहे हैं। सिरोही विधानसभा में पिछले 30 सालों से एक परंपरा देखी जा रही है, वो ये कि इस सीट पर खड़े होने के लिए भाजपा और कांग्रेस दोनों के सिटिंग विधायकों को दूसरी, तीसरी और चौथी बार टिकट मिलने पर अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं और चुनाव लड़ने के इच्छुक दूसरे कैंडिडेट के विरोध का सामना करना पड़ता है। तारा भंडारी को तीसरी और चौथी बार लगातार 2 बार हारने पर 5वीं बार टिकट नहीं दिया गया था। खुद संयम लोढ़ा के साथ भी यही हुआ था और 5वीं बार कांग्रेस ने उनका टिकट काटकर जीवाराम आर्य को दिया था। ये बात अलग है कि उन्होंने कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते। इस बार ओटाराम देवासी को भी 4वीं बार टिकट मिला है और बाहरी कैंडिडेट होने के कारण जातिवाद की वजह से हेमंत पुरोहित ने भाजपा में उनके खिलाफ बगावत कर दी। ओटाराम देवासी के चुनाव परिणाम में भी कोई ऊंच नीच होती है तो फिर ये इतिहास इनके साथ भी दोहराए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा के बागी हेमंत पुरोहित इस चुनाव को स्थानीय भाजपाइयों और सिरोही वासियों की अस्मिता का प्रश्न बनाते हुए स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद की रैली में एक बार फिर उन्होंने अपना इरादा दर्शा दिया है। ओटाराम देवासी ये चुनाव सनातन धर्म बनाम भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, वहीं संयम लोढ़ा इस चुनाव को विकास बनाम जातिवाद के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा और किसकी एड़ लगने से बैठेगा ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन भाजपा से बगावत के आरोप लगाते हुए हेमंत पुरोहित, अशोक पुरोहित और सुरेश सगरवंशी को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से पार्टी से निष्कासित करने की परंपरा का निर्वाहन भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेश कोठारी ने कर दिया है। लड़ाई लड़े दियो के ओपड़े माथे सब बाल्ला हटे राज कर दिया है। बाल्ला ओपो लावे तो ऑर्डर दे दिया है। ओपे हटे दरी वसावे दिया हो, ओपे झंडा उठावे दिया हो। मैं मारू पूरू जीवन अड़ी भारतीय जनता पार्टी दी है और आज मो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उभो हुए। मैंने तो ओपे कर दिया हो, वोट ओपे दे दिया हो, चाहे ओपे दिया हो, गल्ला को हम ओपे मिले दाई दिया हो। अपनों हटे कोई आज अपनों एक
कने हॉस्पिटल में अगर खून की जरूरत पड़े तो अपना आदमी कोई ऊपर रहना नहीं है। जरिए 72,000 मनट अने कोरोना थी मरे लिया था वो भोपाल जी के खिलाफ थी वो ही पंखो 72,000 मनट मरे लिया था मैं मुड़ा पौधे पौधे सर में फरे लिया था अटे कदी ये भोपोदी बनी सिमंदरी नदी पार करे प्राणी ने हीरे में आई है बता मने बता रो कदी आज इतने वोट मोगे दिए रोम रे नोम माते मोगे दिए हिंदुत्व रे माते मोगे दिए धर्म रे माते मोगे दिए मुई तो हिंदू अगर कोई मुसलमान है तो वही तो नहीं हीरे नु वासी है वही तो वोट दे रही हो वो कोई तोरे कोई वोट नहीं दे रही हो तो नहीं वो अपने भेरू नहीं दे रही है वो अपने कोमे नहीं आवे रही है सब आपस में भाई सारा तेरी हीरे में दे दिया पर तेरी मोरे जरूरत पड़ी थी भोपाल जी थे नेता ने आज वोट मांगे दिया हो कौम बतारो नहीं हीरो ही ने कहते कौम की तू सब अपनी मात्र शक्ति ने आप मारे हाथ ही दे दियो भरोसा ही दे दियो मैं आपने वादो करूँ के भोपाल का आदमी हीरे में मुड़े उबा रेवा नहीं दो आपने को जो कौमेरू नहीं हो अपने बड़ी जटा हीरे में नहीं कोई जरूरत नहीं और मैं आपने कहूँ सब माता बहनों ने मैं आम नागरिक की आवाज बनके मैं चुनाव के मैदान में उतरा था। भगवान सानेश्वर जी की और राधे रानी की इतनी बड़ी कृपा हुई कि मुझे नागरिक चुनाव चिन्ह प्राप्त हुआ है। मैं आम नागरिक की और स्थानीय नागरिक की ही लड़ाई लड़ रहा था और मेरा चुनाव चिन्ह भी आम नागरिक और स्थानीय नागरिक ही है। मैं स्थानीय की लड़ाई इन मातृशक्ति के सहारे मेरे युवा साथियों के सहारे निरंतर निरंतर लड़ता ही रहूँगा। रुकता तो यूँ है कि जो सब कह रहे थे कि 50 लोग आएंगे 40 लोग आएंगे आज जो मातृशक्ति उमड़ी है ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज समय मैं आज गर्व करता हूँ कि मैंने सिरोही की सेवा की है और मैं सिरोही की जनता मुझसे प्यार करती है। आज ये प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है इसलिए मेरी आगे बढ़ाई।